दोस्तों बीते कल महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी छोड़ दी, मगर कप्तानी क्यों छोड़ी? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अब नए अध्यक्ष बनने वाले हैं बीसीसीआई के। आप भी जानना चाहते हो महेंद्र सिंह धोनी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कब बनेंगे, तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको पता है बीते कल महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के ट्विटर हैंडल पे अनाउंसमेंट करवा दिया कि भैया मैं चेन्नई सुपर किंग का कप्तान नहीं हूं और ना ही मैं आगे खेलने वाला हूं 2023 का आईपीएल, यानी कि रविंद्र जडेजा को अब नया कप्तान घोषित कर दो। और महेंद्र सिंह धोनी के कहने पे रविंद्र जडेजा को कप्तान बना दिया चेन्नई की फ्रेंचाइजी ने और जडेजा चेन्नई की कप्तानी करते नजर आएंगे। मार दोस्तों अब महेंद्र सिंह धोनी बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि सौरव गांगुली इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल अक्टूबर के महीने में खत्म हो जाएगा इसी साल। और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद नए अध्यक्ष बीसीसीआई के बन सकते हैं कौन? एमएस धोनी। और दोस्तों एमएस धोनी जिस तरीके से कप्तानी में अपना लोहा मनवा चुके हैं, उसी तरीके से क्या भारतीय टीम को वो ऊंचाई पे ले जा पाएंगे अपनी प्रेसिडेंट में या फिर नहीं? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।